राइट सो वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में थोड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस को कवर करेंगे। सो ये ऐसे दो केसेस हैं। केस नंबर वन, दिस इज केस नंबर वन। ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और बिल्कुल इसी के नीचे हम बनाएंगे इसका स्पीड टाइम ग्राफ। अब पहले तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इधर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इधर बेसिकली जो हमारा डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट दोनों केसेज में हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो दोनों केसेज में डिफरेंट है। इधर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी कर्व का ग्रेडियंट निकाला जाए तो कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें बनाना होता है टेंजेंट। अब अज्यूम करें कि यहाँ पे हम मल्टीपल पॉइंट्स पे ज़रा देखते हैं कि ग्रेडियंट की क्या क्या नेचर होगा, ग्रेडियंट का मीनिंग, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, विल इट स्टे द सेम, ये ज़रा हम पता करते हैं। सो ये तीन चार मैंने टाइम के वैल्यूज़ ली हैं। अब लेट्स से कि मैं T1 पे, ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से मैं T1 पे टेंजेंट बनाता हूँ तो मेरा टेंजेंट थोड़ा स्टीप होगा। फिर जब मैं T2 पे बनाऊंगा तो मेरा टेंजेंट क्या होगा, मेरा टेंजेंट मज़ीद स्टीप हो जाएगा। फिर जब मैं T3 पे ग्रेडियंट निकालने के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरा टेंजेंट और स्टीप होगा। एंड सिमिलरली जैसे ऐसे वक्त गुजरता रहेगा माय स्टीपनेस ऑफ द टेंजेंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। अब एज आई सेड अर्लियर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या देता है आपको, वो आपको देता है स्पीड। अब बिकॉज यहाँ पे जो मेरा ग्रेडियंट है, सिंस माय ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, सिंस माय ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग एंड हियर माय ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, द ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्पीड। व्हाई इज दैट, बिकॉज एज वी सेड अर्लियर कि जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब कि जो हमारी स्पीड है वो क्या हो रही है, वो हर टाइम में इंक्रीज़ कर रही है। सो उसको मैं स्पीड टाइम ग्राफ पे कैसे शो करूँगा, आई सिंपली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अच्छा, वाई एम आई स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है उसका अगर बिल्कुल ज़ीरो पे टेंजेंट बनाया जाए तो वो आएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ग्रेडियंट क्या है, ज़ीरो। ग्रेडियंट ज़ीरो होने का मतलब स्पीड ज़ीरो है। तो इधर अगर मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूँ तो माय स्पीड विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो ये मेरा बन गया केस वन का स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम आते हैं केस टू पे। उप्स, सो हियर्स केस टू। अब केस टू में भी हम यही करते हैं। केस टू में हम ज़रा मल्टीपल पॉइंट्स लेते हैं ऐसी रैंडमली एंड देखते हैं कि जी वहाँ पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो टेंजेंट की स्टीपनेस जो है क्या वो बढ़ेगी, मतलब टेंजेंट ज़्यादा स्टीप होगा या कम स्टीप होगा। तो ये मैंने तीन टाइम की वैल्यूज़ ली हैं। अब लेट्स से कि मैं T1 पे टेंजेंट बनाता हूँ तो अगर मैं T1 पे टेंजेंट बनाता हूँ तो वो अच्छा खासा एक स्टीप टेंजेंट आएगा। फिर अगर मैं T2 पे टेंजेंट बनाता हूँ तो T2 पे भी जो टेंजेंट होगा वो भी अच्छा खासा स्टीप होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं T3 पे टेंजेंट बनाता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो टेंजेंट की स्टीपनेस है वो कम होती रहेगी। फिर चलें एक जस्ट इन केस हम T4 एक और पॉइंट मार्क कर लेते हैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट। T4 पे और टेंजेंट इज़ और नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बट वेरी क्लोज टू बीइंग हॉरिजॉन्टल, तो अ टेंजेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर इसी पैटर्न पे हमारा ग्राफ चलता रहे दैट मीन्स देयर विल कम अ पॉइंट कि हमारा टेंजेंट जो होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब जैसे हमने केस वन में देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट होता है ज़ीरो। अब क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसकी स्पीड विल स्टार्ट ऑफ विद अ हायर वैल्यू एंड वक्त के साथ साथ क्या होगी, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होगी और बिल्कुल एक पॉइंट आएगा कि स्पीड हो जाएगी ज़ीरो। So this is basically the logic behind converting a distance time graph into a speed time graph or vice versa. In the coming video, हम एक question भी cover करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा question cover करें ताकि हमें पता चले कि exam में आखिर इस तरह का सवाल कैसे आता है और उसमें कुछ values होंगी, so that will make things more interesting. So I'll see you guys in the next video. Stay tuned. Take care.